बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हो गए। जैसा कि आपको पता है तो मैंने पैरट्स वगैरह का मुझे शौक़ चढ़ा था, तो मैंने कहा वो रख लेते हैं, लेकिन क्या करें, जब किस्मत में ना हो वो काम करना तो फिर नहीं हो सकता। साफ करवा रहा था तो फिर मैंने ये दरख्त शरख्त बना लिया। सुबह स्कूल जाना करा रहा था, पानी शानी छिड़क लिया था और रूम की सियाही सफाई जोर शोरों से स्टार्ट थी। तो ये मैंने फिर सीमेंट जो बनवाया क्या के ना जो दर्जे हैं उनमें लगा दूं ताकि मेरे बर्ड्स जो हैं उड़ ना जाएं। तो मैंने वो सामने एक बुज़ुर्ग हैं उनको बुलाया, वो ये थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। उन्होंने आके मेरा ये काम किया। तो ये जो दर्जे हैं आपको नज़र आ रही है, यहाँ से चिड़ियाँ या तोते वगैरह निकल सकते थे, इसलिए मैंने फिर इनको बुलाया ताकि ये मेरे जो ये इधर सीमेंट वगैरह वो लगा दे। बना तो इन्होंने लिया था, अब ये लगा रहे थे और मैं खड़ा था और छींटे मेरे फेस पे भी आ रहे थे माशाल्लाह। चलो कोई गल नहीं, थोड़ा सा काम हो जाता है तो फिर कुछ काम में बंदा इंसान गंदा भी तो होता है ना। तो उसके बाद मैंने अपनी मुर्गियाँ शुर्गियाँ खोली थी, फिर उनको घर का दाना वगैरह डाला हुआ था, तो मैंने कहा चलो आप इंजॉय करो, मैं ज़रा काम करवा लूँ। फिर उसके बाद मेरा एक खुडा था, मैंने सोचा ये खुडा भी उसके अंदर रख दिया जाए ताकि जो मेरे पैरट्स महंगे होंगे वो मैं ओपन ही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वक्त या वो उड़ रहे को। जब मैंने आया फिर मैंने आके इसको उठाया, उठा के मैंने इसको उस कमरे में ले गया और ले जाकर उस कमरे में सेट कर लिया। जो जिंदे वगैरह होंगे मैं इस कुत्ते में छोड़ लूँगा। और उसके बाद ये जो मेरा नज़ारा बन गया था कमरे का, बहुत ही प्यारा हो गया था। तो मैंने कहा अब ना एक काम रह गया, वो भी कर लिया जाए। दरख्त लग गए हैं जहाँ ये घोंसले वगैरह बनाएंगे, उनके लिए मैंने डब्बे ले के रखे हुए थे काफ़ी देर के। पहले मैंने कील लगाया, उस कील के अंदर इस डब्बे को फंसाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं फंसा। फिर मैंने इनको कीलों के साथ ठोका, बड़ी तकनीक लगाई और मैं कामयाब हो गया। और मैंने दो तीन डब्बे लगाए, बाकी घर पड़े थे तो फिर मैंने कहा बाद में लगा लूँगा। उसके बाद डब्बे लगाते लगाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ये छोटी सी जगह थी जहाँ पर ये कील ठोकना था और कील ठोकने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए था, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो भी गया और मैंने ये लगा लिया। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब कर। जब ये काम वगैरह मुकम्मल कर लिया और मैंने कहा घर वालों को कि मैं अब तोते वगैरह डालूँ, तो उन्होंने कहा तोते छोड़ो, तोतों ने तो दाना ही खड़ा, उन्होंने कौन से बच्चे दे दिए। ऐसा कि उन्होंने मुझे चूज़े ले दिए, तो वो ऐसा हुआ कि वो चूज़े मैंने फिर उस जगह रखे जहाँ पर मैंने पैरट्स वगैरह रखने थे। अब भी पैरट्स मेरे पास हैं लेकिन वो मैंने घर में रखे हुए हैं, मैं अभी फार्म लेके नहीं गया, तो कुछ मेरे पास हैं कुछ मैं नहीं लूँगा। फिर उसके बाद इनको मैंने उसी कमरे में दाना वगैरह डाला और चावल वगैरह जो बॉयल की थी वो डाले ताकि ये खा लें। और